हेलो दोस्तों, मैं राधिका, अर्बन टू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से मजेदार सी, टेस्टी सी, चटपटी सी एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। इस रेसिपी को आपने बाजार में जाकर तो कई बार खाया होगा, लेकिन घर पर कभी नहीं बनाया होगा। इसे बनाना लोगों को बहुत झंझट लगता है, लेकिन घर पे भी ये रेसिपी बहुत ही आसानी से बनाई जा सकती है और खाने में भी बिल्कुल बाजार जैसी लगती है। तो चलिए देरी न करते हुए मजेदार सी, टेस्टी सी इस रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मेजरिंग कप से एक कप सॉलिड वटाने लिए थे, जिसे मैंने रात भर के लिए भिगो के रख दिया था, जिससे कि जो वटाने हैं बिल्कुल अच्छी तरह से फूल चुके हैं। यहाँ पर आपको सॉलिड वटाना को ही इस्तेमाल करना है, उसी से ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है। और इस रेसिपी को बनाने के लिए सॉलिड वटानों का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब इन्हें हम डालेंगे प्रेशर कुकर के अंदर, साथ ही इसमें हम ऐड कर देते हैं एक कच्चा आलू। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज का कच्चा आलू लिया है, जिसे मैंने रफली कट कर लिया है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे एक चम्मच घी, साथ ही में ऐड कर देंगे इसमें हम पानी। तो मैं यहाँ पर 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। पानी इतना ऐड करें कि जो वटाने हैं वो पानी के अंदर अच्छी तरह से डूब जाए। और फिर ऐड कर देंगे 1/4 चम्मच के करीबन नमक, या नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब कुकर का ढक्कन लगाकर इसमें हम हाई फ्लेम पर 4 सीटी आने देंगे, उसके बाद लो फ्लेम पर इसे हम 5 मिनट के लिए पका लेंगे, या आपको इसे इतना पकाना है जब तक कि जो वटाने हैं बिल्कुल अच्छी तरह से गल नहीं जाते हैं। तो कुकर में यहाँ पर 4 सीटी आ चुकी है, गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसे हम पका लेंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट भी कंप्लीट हो गए हैं, गैस को कर देंगे हम बंद और कुकर को अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे जब तक कि इसके अंदर का जो प्रेशर है वो अच्छी तरह से निकल नहीं जाए। तो कुकर यहाँ पर अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, इसके अंदर का सारा प्रेशर निकल गया है। आप देख सकते हैं जो वटाने हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से पक गए हैं, बिल्कुल मैशी दिखाई दे रहे हैं। तो हम पोटैटो मैशर की सहायता से इस तरह से इसे मैश कर लेंगे, ताकि जो आलू और मटर है वो हल्के से मैश हो जाए। यदि बाय चांस मटर अच्छी तरह से मैश नहीं होती है तो आप इसमें 1 सीटी और लगा सकते हैं, क्योंकि सॉलिड मटर है तो हो सकता है कभी कभी ये थोड़ी सी कच्ची रह जाती है। अब एक पैन में हम डालेंगे तेल और तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीबन तेल ऐड किया है, आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ, और प्याज को हल्का सा सॉफ्ट होने तक हम इसे पकाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्याज जो है वो हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आप चाहें तो यहाँ पर अदरक लहसुन को बारीक बारीक काट कर भी ऐड कर सकते हैं। यदि आप अदरक लहसुन को बारीक बारीक काट कर ऐड कर रहे हैं तो प्याज डालने से पहले आप उसे तेल में डालिएगा और अच्छी तरह से पकाइएगा, क्योंकि जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो बहुत ही जल्दी से पक जाता है। तो मैंने यहाँ पर इसे 1 मिनट के लिए चलाते हुए पका लिया है, तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टमाटर, और टमाटर को भी हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। टमाटर भी हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है, इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 1/2 चम्मच इसमें हम ऐड कर देंगे धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच के करीबन ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च की क्वांटिटी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। और 1/2 चम्मच के करीबन डालेंगे हल्दी पाउडर, और 1/2 चम्मच इसमें हम डाल देंगे नमक। अब सारे मसालों को हम अच्छे से टमाटर के साथ में मिक्स कर लेंगे और 1-2 मिनट के लिए चलाते हुए पकाएंगे, ताकि जो हमने मसाले डाले उसके अंदर का कच्चापन चला जाए। इस रेसिपी को मैं अपने तरीके से बनाना बता रही हूँ, एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाकर खाइएगा, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मसाले जो है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक चुके हैं। मसाला जो है वो थोड़ा सा पैन में चिपक रहा था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड किया था। अब जो हमने यहाँ पर मटर और आलू को मैश करके रखा है, इसे हम इसके अंदर डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें हमें उबाल आने देंगे, और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि हल्का सा गाढ़ा ना हो जाए। एकदम ज्यादा पतला भी नहीं रखना है और एकदम ज्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है इसे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें एक उबाल आ चुका है, गैस को कर देंगे हम बंद। यहाँ पर हमारा टेस्टी और यम्मी सा ये रगड़ा बनकर तैयार हो चुका है। अब चलिए हम पेटीज बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है रगड़ा पेटीज बनाने का। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 6 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। आलू को मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है, तो आलू को हम इस तरह से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर ग्रेटर की हेल्प से इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। बस यहाँ पर एक ही चीज का ध्यान रखें, आलू अच्छी तरह से ठंडे होने के बाद ही यूज करिएगा। आलू यहाँ पर अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं, इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 1/4 चम्मच डालेंगे इसमें हम हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। मैं यहाँ पर हरी मिर्च का यूज नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल ज्यादा किया है, आप चाहें तो हरी मिर्च का यूज भी कर सकते हैं। 1/2 चम्मच डालेंगे यहाँ पर नमक, फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच के करीबन आमचूर पाउडर, जिससे कि बढ़िया सा चटपटा टेस्ट आएगा। और फिर ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच के करीबन चाट मसाला,
यदि आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाले की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसमें बाइंडिंग के लिए मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच सूजी। आप चाहे तो यहाँ पर चावल के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजी डालने से क्या होगा कि इसके अंदर एक बाइंडिंग आ जाएगी और जो हमारा पेटीज है वो भी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। आलू के अंदर का जो मशा वगैरह रहता है ना वो इसे अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेगी। अब सारी सामग्री को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर सारी सामग्री अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब इसे हम ढक करके 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो हमने सूजी डाली है वो अच्छी तरह से फूल जाए। यहाँ पर आपको पानी वगैरह का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो 5 मिनट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये मिश्रण बिल्कुल रेडी है पेटीज बनाने के लिए। तो हम अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और हाथ को ग्रीस कर लेंगे ताकि जो ये मिश्रण है ये हमारे हाथों में चिपके नहीं। अब इसमें से हम थोड़ा सा पोषण लेंगे। तो इस तरह से मिश्रण लेकर हम गोल शेप दे देंगे और बढ़िया से हम इस तरह से पेटीज बना लेंगे। तो साइज आप यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग बड़ा छोटा रख सकते हैं। यहाँ पर आपको इसे एकदम ज्यादा मोटा भी नहीं बनाना है और एकदम ज्यादा पतला भी नहीं बनाना है। तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर एक पेटीज बनकर तैयार हो चुकी है। तो सभी को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब एक पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। एकदम ज्यादा ऑयल बिल्कुल नहीं डालना है। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। जो हमने एक एक पेटीज बनाई है इसे हम इस तरह से तेल में रख देंगे और दोनों साइड से बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इन्हें शेलो फ्राई कर लेंगे। बहुत ही जल्दी से शेलो फ्राई हो जाती है, इसे पकने में ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लगता है। तो ये एक साइड से अच्छी तरह से शेलो फ्राई हो चुकी है, इन्हें हम पलट देते हैं। अब दूसरी साइड से भी इन्हें हम इस तरह से शेलो फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर सारी पेटीज अच्छी तरह से सिक चुकी है, दोनों साइड से बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। गैस को कर देंगे हम बंद। अब हम रगड़ा पेटीज को सर्व करेंगे। इसे भी सर्व करने का एक तरीका होता है। तो इस तरह से एक प्लेट लेंगे और इसे में हम 4 पेटीज रखेंगे। जितने आपको रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इन्हें ले सकते हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे रगड़ा। आपने रगड़ा पेटीज कई बार बाहर जाकर तो खाई होगी, एक बार इस तरह से घर पर बनाकर खाइएगा आप बाहर के रगड़ा पेटीज खाना भूल जाएंगे। तो इस तरह से पेटीज के ऊपर हम रगड़े को डाल देंगे। अब इसका और भी टेस्ट बढ़ाने के लिए इसके ऊपर हम डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज, फिर डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर, फिर डालेंगे इमली की चटनी। तो मैंने यहाँ पर रेडीमेड चटनी ली है, आप चाहें तो घर में भी बनाकर चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चटनी की भी क्वांटिटी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना मीठा आपको पसंद है। अब इसके ऊपर डालेंगे हम ग्रीन चटनी। यहाँ पर मैंने हरी धनिया की चटनी बनाई है। तो नॉर्मली मैंने यहाँ पर हरी धनिया और हरी मिर्च और थोड़ी सेव भुजिया डालकर इसे बना लिया है। बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है और साथ ही मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया था। फिर इसके ऊपर हम डालेंगे बारीक वाली सेव, जिससे कि ये लुक वाइज दिखने में बिल्कुल मार्केट जैसी लगेगी, जैसी आपने मार्केट में खाई होगी। मुझे तो अभी से ही देखकर मुंह में पानी आ रहा है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ी सी हरी धनिया बारीक कटी हुई। आप चाहें तो इसके ऊपर अनार के दाने भी ऐड कर सकते हैं। ये लीजिए, यहाँ पर हमारी टेस्टी बाजार जैसी बढ़िया सी रगड़ा पेटीज बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं तो जा रही हूँ इस रगड़ा पेटीज को खाने। आप इस रेसिपी को एंजॉय करिए, ट्राई करिए और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू वॉचिंग माई वीडियो।